कोरस कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रीक ड्रामास के अंदर कोरस यूज होता है, ठीक है। और ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि बताते हैं कि इस ड्रामा के अंदर क्या होने जा रहा है। बाज़ औक़ात ये कोई मैसेज देते हैं, ग्रीक ड्रामास में जो है कोरस की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल गा के बताता है, जस्ट लाइक द ईडिपस रेक्स, जैसे कोरस आया था और उसने बताया था कि ये कहानी किसकी है। इसी तरीके से हमने डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर देखा कि कोरस आता और ये बताता है कि भाई ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि कोई बुरा इंसान नहीं था लेकिन बहुत लर्न्ड मैन था। किसी किंग एंड क्वीन की कहानी नहीं है, एक लर्न्ड मैन की है जो कि एट द एंड उसका डाउनफॉल क्यों होता है, उसके ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कोरस उसको कहते हैं। तो कोरस एक्चुअली आता है ड्रामा के अंदर डिफरेंट मैसेजेस देने, डिफरेंट मैसेजेस ऑफ लाइफ देने, सही। तो इसी तरीके से ये जो डिफरेंट लोग हैं ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, ठीक है। हम लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेन और लोग इन द फॉर्म ऑफ कोरस वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं इन कॉल अप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्नी। जैसे एक न्यू स्टेज, न्यू एक्ट स्टार्ट होता है तो उससे पहले कोरस कॉल अप करता है। सेम इज़ द केस कि ये डिफरेंट लोग जो होते हैं, तरह तरह के लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हमें डिफरेंट मैसेजेस दे के जाते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में बेटा सब अच्छा नहीं होता लेकिन सब बुरा भी नहीं होता, सही। सब लोग अच्छे भी नहीं होते लेकिन सब लोग बुरे भी नहीं होते। मेरे सर हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, जो बुरा हो भी रहा होता है ना वो अच्छे के लिए हो रहा होता है, और जो बुरा इंसान होता है ना वो कभी भी 100% बुरा नहीं होता, और जो अच्छा इंसान होता वो भी 100% अच्छा नहीं होता। अब ये हमारी सोच है कि वो बुरे इंसान के अंदर अगर 10% गुड है ना तो हमें उसका 10% गुड अच्छा लगेगा क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, और इसी तरीके से जो अच्छा इंसान है उसके अंदर सिर्फ 1% बैड है, 1% बैड है, तो बुरा इंसान हमेशा उस 1% बैड के ऊपर पिंच करता रहेगा और अपने आप को हल्कान करता रहेगा। बुरे इंसान को, अच्छे इंसान को तो फर्क नहीं पड़ेगा उसके 1% बैड होने से। देखें अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हो, ठीक है, तो कोई परफेक्ट तो है नहीं, सही। तो ना ही हम कोई इतनी स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ मेरी है। तो ज़िंदगी जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का, डिफरेंट इंसिडेंट्स का, डिफरेंट चांसेस का, डिफरेंट कोइंसिडेंस का, लेकिन क्या है कि ये हमारी सोच होती है जो कि हमें हैप्पी रखती है या हमें डिस्ट्रेस देती है। तो वो कहता है कि ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्नी, और ये कोरस क्या करता है, सिंगिंग अबाउट देम एंड बीइंग देम, और वो जो है उनके बारे में मतलब मैसेजेस भी देता है, उनके बारे में गाता भी है, यानी कि ये डिफरेंट लोग हैं, हमें ज़िंदगी के डिफरेंट मैसेजेस दे के जाते हैं, ठीक है। हमने फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम उनको आजमा सकें। अल्लाह ने बनी इसराइल पर फिरौन को मुसल्लत किया था ना, अल्लाह खुद कहता है मैंने किया था, मैंने फिरौन को ये ताकत दी थी ताकि हम बनी इसराइल को आजमा सकें, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से डिफरेंट लोग आते हैं, हमें डिफरेंट मैसेजेस दे के जाते हैं, और बीइंग देम जो कि उनके साथ होते हैं, नॉट द पीपल इन द स्टेशन, नॉट द चाइल्ड ऑपोजिट मी विद करंट फिंगर नेल, ना तो पीपल इन स्टेशन, ना ही वो जो चाइल्ड है जो ऑपोजिट मी, जो वो उस बच्ची की बात करता है जिसके करंट फिंगर नेल्स हैं, बट द विंडोज, लेकिन वो विंडोज जिसके थ्रू उसने जिंदगी की हकीकत को देखा, सीन थ्रू रिफ्लेक्टिंग इम्परफेक्टली, रूथलेसली स्प्लिटिंग वन द ब्लूइश वेक लैंडस्केप लाइक अ जिपर। लेकिन वो कहता है कि वो जो विंडो है वो मुझे क्या दिखा रही है, मतलब वो कहता है कि वो बच्ची नहीं जो कि ट्रेन के अंदर बैठी है, बल्कि वो जो विंडो जो मुझे दिखा रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है इम्परफेक्टली रूथलेसली स्प्लिटिंग ओपन द ब्लूइश वेग लैंडस्केप लाइक अ, जो कि ब्लूइश वेग लैंडस्केप को ओपन करती है लाइक अ जिपर। जिपर आपने जिप देखी होगी, वी शेप होती है, तो इसी तरह ज़िंदगी के डिफरेंट टर्न्स होते हैं, वो जिप पीछे से तो सीधी चली आ रही होती है, आगे से वो खुल जाती है, ऐसे ही होता है, वी शेप बन जाता है, ऐसी होती है जिप।
ये सिर्फ है ठीक है। वो कहता है कि मुझे वो बच्ची नहीं बल्कि वो जो विंडो है ट्रेन की वो शो कर रही है कि लाइव जो पीछे से, वो कहता है वो तो पेंसिल की तरफ शुरू के वो कहता है ना लाइंस में कि वो तो पेंसिल की तरफ स्ट्रेट चल रही है, वो स्ट्रेट चल रही थी, लेकिन वो कहता है कि वो अब वो जो विंडो है वो स्प्लिट करती है, ओपन करती है, उसके लिए ब्लूइश वेग लैंडस्केप लाइक अ ज़िपर, जैसे जिप खुलती चली जाती है और उसका व्यू पॉइंट चेंज होता चला जाता है। तो वो कहता है वो जो विंडो खुली है ना अब मेरी माइंड की, वो अब मुझे वो ब्लूइश वेग, वो जो पॉजिटिव और वो जो हैप्पी, या फिर इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे कि ब्लूइश मींस के उसको जिंदगी का मकसद अब समझ आ रहा था, एम ऑफ द लाइफ जो है वो उसको समझ आने लग गया है। तो वो फिर कहता है ईच वॉइस हैज इट्स ओन डिसेंडिंग स्केल टू पुट वन इन वन्स प्लेस एट एवरी स्टेज। वो कहता है हर वॉइस जो होती है ना उसका एक अपना डिसेंडिंग स्केल होता है, जो कि टू पुट वन इन वन प्लेस एंड एवरी स्टेज, हर इंसान की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अहमियत होती है, उसकी हर वॉइस की अपनी अपना अपना एक स्केल होता है। वन नीड नेवर नो वेयर वन इज, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है, ठीक है, कौन कहाँ पे है, कौन क्या है, अनलेस वन गिव अप लिसनिंग स्लीपिंग अप्रोचिंग अ स्मॉल वेस्टर्न टाउन दैट इज नथिंग बट अ माइंड मैप। अनलेस के एक इंसान जो है वो सुमन बुकमन ओमयून फाहुमला यर्जियून हो जाए, ठीक है, ये गूंगे हैं सुमन बुकमन ओमयून फाहुम और ये नहीं पलटेंगे, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे कि अनलेस वन गिव अप लिसनिंग, कि एक इंसान सुनना ही छोड़ दे, ठीक है, वो स्लीपिंग उसकी ख़त्म हो जाए, वो मतलब सॉरी गिव अप लिसनिंग, सुनना छोड़ दे, स्लीपिंग यानी कि बिल्कुल ही बेहिस हो जाए, स्लीपिंग यानी कि उसको दुनिया से कोई गर्ज ही ना हो, मैंने कहा ना सुमन बुकमन उमयून हो जाए, वो अप्रोचिंग अ स्मॉल वेस्टर्न टाउन, और वो एक स्मॉल वेस्टर्न टाउन में अप्रोच हो जाए, बेहिस हो जाए यानी कि ढीठ हो जाए, दैट इज़ नथिंग बट अ वाइंड मिल, और जो कुछ भी ना बल्कि एक वाइंड मिल हो और वो वहाँ वेस्टर्न टाउन में जाके रहना शुरू कर दे, देन द ग्रेट फ्यूरी ऑफ एंड कैन ड्रॉप एज अ सोलो वॉइस टेल अबाउट इट। फिर वो कहता है कि एट द एंड वो जो ग्रेट फ्यूरी ऑफ एंड है वो एज अ सोलो वॉइस टेल अबाउट इट, एक ही वॉइस फिर रह जाती है जो इसके बारे में बताती है, रेदिंग इट सम हाउ विद एन ऑरा ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि रेद करती है, रेद बेसिकली ब्रेथ यानी कि वो जो हवा चलती है वो एक ऑरा, ऑरा कहते हैं, ऑरा आपको पता ना वो जो फूड में से एक खुशबू सी आती है या उसकी ऑरा क्या कहेंगे इसको, इम्पैक्ट, ठीक है, और हम इसी को कहते हैं ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि एक स्लोगन है ऑफ गुड फॉर्च्यून का, कॉलोजल वेलकम फ्रॉम द मेयर, और फिर हमें कॉलोजल वेलकम मिलते हैं मेयर से, एंड सिटीजन टॉसिंग देयर हैट इनटू द एयर, और फिर सिटीजन्स जो हैं वो टॉस करते हैं हैट इनटू द एयर टू हेयर देम सिंगिंग यू हैड थिंक आई हैड ऑलरेडी हैपेंड एंड वी हैड फोकस बैक ऑन द फर्नीचर ऑफ द एयर, और टू हेयर देम यानी कि फिर हम उनको सिंगिंग सुनते हैं, सिंगिंग यू हैव हैड थिंक इट हैड ऑलरेडी हैपन, जो ये गा रहे होते हैं कि जो तुमने सोचा वो तो ऑलरेडी हो गया है, यानी कि उसने क्या सोचा था कि हमें औरों से गर्ज नहीं होनी चाहिए, वन नीड नेवर नो वेयर वन इज, ठीक है, हमें तजस्सुस नहीं करना चाहिए, और वो कहता है अगर हम ये ज़िंदगी के सारे रूल्स अपना लें तो वो फिर एंड वी हैव फोकस बैक ऑन द फर्नीचर ऑफ द ईयर, और फिर वो कहता है कि हमने वो फर्नीचर ऑफ द एयर यानी कि उस हवा में फोकस करना शुरू कर दिया, हवा में बेसिकली उस मैसेज को फोकस करना शुरू कर दिया जो कि उस वाइंड मिल से आ रहा था, और हमने उस ऑरा को जो है वो कैप्चर कर दिया, और उसके बाद जो है, और वो कहता है कि ये वो ज़िंदगी के असूल हैं कि अगर हम इसको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सकती है। ठीक, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। Any question, class? Assalamualaikum, ma'am. Waalaikum assalam. Ma'am, वो जो आपकी वाले points करवाई थी, इसमें जो 14 और 15 वाला point था ना, कि waiting जो होती है ना station में, actually हम अपनी, हम कहते हैं ना कि हर चीज़ जल्दी से हो जाए, हर इंसान के different aims of life होते हैं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए, तो वो कहता है कि क्योंकि इंसान बड़ा बेसब्र है, ये उसका इम्पेशेंट एटीट्यूड है जो उसके फ्रस्ट्रेट करता है, और उसके लिए ये जो वेटिंग है कि उसको जल्दी से क्यों नहीं मिल रहा, वो उसके लिए बड़ा वेग हो जाता है। हाँ जी हमारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम ये जो पढ़ा सैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन वाला पैरा, ये आगे वाले पैरे से, ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ और चांस वाला जो पैरा है, इससे इंटरलिंक्ड है. तो इसके अंदर पावर ऑफ स्ट्रगल की थीम दिखाई गई है. मतलब आपने हमें ये एक्सप्लेन किया ना कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करनी है, चांसेस को अवेल करना है. सबसे पहले लाइफ जो है वो कंटिन्यू स्ट्रगल का स्ट्रगल है. अगर हम इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा टॉर ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि लीन तो कर रहा है, गिरने वाला है लेकिन गिरता नहीं है, ठीक है. तो अगर इंसान, और फिर वो आगे जाके देखे ना उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि हमें क्या गर्ज के कोई क्या कर रहा है, ठीक है. और फिर वो जैसे मैंने आपको कहा कि एपिफेनी द ट्रूथ ऑफ लाइफ जो है वो रिवील जब वो करता है कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और ये वो हवा है जो कि जिंदगी को खुशगवार बनाती है. एट द एंड वो विंड वेल का जो एक इमेज देता है, वो कहता है ये वो हवा है, यानी कि ये हवा बेसिकली उस सोच को कहता है, क्योंकि मैंने आपको कहा मैग्नेटिक ट्रेन्स is the thought basically, chain of thoughts. तो वो उन chain of thoughts से एक scenario create करता है कि किस तरीके से हम life को एक different way में गुजार सकते हैं. जी मैम. और मैम ये एक तो epiphany जो हमने पढ़ी है यहाँ पे इस पैरे में आ रही है, जहाँ पे that their jagged attitude correspond to mine. एक आगे पहले के अंदर भी आपने वो कहा था कि उसको अपना ट्रूथ जो पता चलता है, रिफ्लेक्टिंग इम्परफेक्टली रूथलेस, और ये जिपर वाला जो जिपर वाला जिप यहाँ भी उसको. हाँ बिल्कुल. और मैम एक और पॉइंट. हाँ हाँ. और जी कल मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी कल थीम्स वाली, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जॉन नेशबरी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है. एक तो क्लासिस्ट वे में करता है, यानी कि एलिजाबेथन एज को भी रिप्रेजेंट करता है, और जैसे कि उसके साथ, हाँ जी एलिजाबेथन उनके साथ, और दूसरे तरीके से वो रोमांटिसिज्म को भी शो करता है लाइक कॉलरिज. यानी कि इस पैरे के अंदर ये जो पैरा है, इट इज एज दो एज विजिबल कोर्स, ये फिर उस क्लासिकल एरा को शो कर रहा है, और ये जो करंट फिंगर नेल्स हैं ये रोमांटिसिज्म को शो कर रहे हैं लाइक कॉलेज मटेरियलिज्म को एग्जैक्टली. उस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इंसान आगे जाएगा ना बेटा, आज वो यही सोच वाला जाएगा जो जॉन एशबरी ने इस पोएम में बताया. जी. और एक और पॉइंट आपने कहा कि लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफरेंट पीपल गिव अस डिफरेंट मैसेजेस लाइक कोर्स, यानी कि वो यहां ये चाह रहा है कि कोर्स हमें डिफरेंट मैसेजेस देता है, जैसे लाइफ में हमें जैसे लोग आते हैं और देते हैं. ऐसे ही है. एवरी फेस वो डिफरेंट फेसेस की भी तो बात करता है ना. पीछे एक जगह उसने बहुत सारे फेसेस की भी बात की है. वो कहता है डिफरेंट फेसेस आते हैं, हम डिफरेंट फेसेस से डिफरेंट चीजें सीख रहे होते हैं, लेकिन सीखने वाला तो चाहिए. यूनाइटी की भी थीम आती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो जो ऑल लिविंग एंड हाँ यूनिटी की वेटिंग पैसेंजर्स हैं, वो मुझे अपने भाइयों को एग्जैक्टली यूनिटी की वो बात करता है, कंसीडरेशन की बात करता है. वो कहता है हमें एक दूसरे की तरफ कंसीडरेट होना चाहिए. जी. लेकिन मैम आगे वो ये भी कहता है कि इन सब के बावजूद पैनिक डिसऑर्डर है. इस पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली वो यही कहता है, वो एज अ ब्रदर भी फील करता है सबको एक साथ यूनाइटेड. एज अ ब्रदर वो बिल्कुल उनको फील करता है, और वो चाहता है कि वो जो सोसाइटी है वो रिफॉर्म हो जाए. दैट्स व्हाई वो मैसेज देता है कि वन नीड नेवर नो वेयर वन इज अनलेस वन गिव अप लिसनिंग अनलेस, ठीक है, कि यानी कि एक इंसान जो है वो बहुत ही बैड हो जाए. मैंने कहा ना सुमन बुकमन ओमियन फॉर्म लायर जीवन अभी इनको कहो या ना कहो इन्होंने नहीं पलटना. एक स्टेज वो भी आती है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है. कुछ लोगों को हम कहते हैं ना कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे. तो बेटा वो वाली स्टेज जो होती है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है. उससे जो आपको समझा रहे हो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. पता नहीं अभी मैं एंड पे एक कोई बात बताने लगी थी आप लोगों को, मुझे कोई बात याद आई थी कि
बाय अभी निकल गई दिमाग से ना, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी से ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जो कि इंसान की चीज जिंदगी को एक्चुअली बर्बाद करती है, दूसरे की जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे बुरे होने का सबसे बुरा असर हमारी अपनी जात पे होता है, सबसे बुरा असर हमारी जात पे होता है, नींद तो फिर हमें नहीं आती। हाँ जी अनीका। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बैग गियर के बारे में बताना था तो बताएं। हाँ, बैग गियर, और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं ना बेटा। जिंदगी जो है ना, बाज होता स्पेशली एक औरत की जिंदगी, देखिए अल्लाह ताला ने ना एक बड़ी प्यारी, आप कभी कुरान खोल के देखें ना, अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा औरत को डिफेंड किया हुआ है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर मैं नॉन मुस्लिम होता ना तो मैं समझता ये किताब किसी औरत ने लिखी, और फिर मैं कुरान पढ़ता, मैं मुशरिक होता और फिर मैं कुरान पढ़ता तो मैं समझता ये किसी औरत ने ये किताब लिखी है। तो